एक एक पॉइंट इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ये जो जंतर मंतर लोग हैं ना, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाई थी जिसको आप पार्ट 1 कह सकते हैं, उसका पार्ट 2 है। पूछा गया था कि यूएई के अंदर जो केस होता है, केस क्या होता है, जो लीगल आपके ऊपर अथॉरिटीज कोई केस करती हैं अगर आपने कोई बोरो मनी किए हुए हैं, किसी बैंक से किए हुए हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से किए हुए हैं, या किसी को भी चेक इशू किया हुआ था और वो चेक बाउंस होता है। अब बाउंस होने की किस्म में मैंने आपको बताया था आपके ऊपर दो तरह के केस बन सकते हैं, एक होता है क्रिमिनल केस और एक होता है सिविल केस। सिविल केस जो है वो क्रिमिनल केस से ज़रा ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मैं इस वीडियो के अंदर आज सिर्फ सिविल केस के ऊपर बात करूंगा। तो भाई सिविल केस आपके ऊपर खोला कैसे जाता है, इसको खोलने के लिए बैंक को क्या करना पड़ता है, और अगर आप सिविल केस में आ जाते हैं, ट्रैवल बैन हो जाता है आप पे, और आप इससे बच कैसे रखते हैं, और मैं कुछ टिप भी दूंगा इस वीडियो में। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, लेकिन समझदार लोगों के लिए पूरी वीडियो ही इंपॉर्टेंट है। और वो लोग जो सोच रहे हैं ना पैसा उठाने के लिए मार्केट से, वो लोग लाजमी ये चीज़ देख लें ताकि वो पता हो कि वो क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले जब भी आप किसी भी पार्टी से पैसा लेते हैं या किसी भी पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, इन फ्यूचर के लिए उनको चेक देते हैं, जिसको हम कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक्स। ठीक है, अकाउंट्स के बंदे ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। पोस्ट डेटेड चेक्स क्या होते हैं कि उस चेक देने की बेसिस के ऊपर आप कोई सर्विस उनसे ले लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं वो फ्यूचर वाले चेक के ऊपर। अब वो चेक फॉर एग्जांपल आप क्रेडिट कार्ड उठा लेते हैं, ज़्यादातर आके यहाँ पे लोग पहला काम क्या करते हैं, हाँ क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, और ये सारा कुछ जो दुबई की लग्जरी लाइफ है ना, 60% लोगों के पास जितने भी चीज़ें दिखा रहे होते हैं ना टिकटॉक के ऊपर और इधर शोशा, वो सारा लोन पे चल रहा होता है। अब जब भी आप वो चीज़ लेते हैं ना, तो उसको लेने के लिए आप क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। मुझे ना बताएं, मैंने काफ़ी लोगों ने पहली वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स किया, हमने तो कोई चेक साइन नहीं किया। आपके चेक साइन करने की जरूरत नहीं है, आप इतने पढ़े लिखे हो तो पूरा डिटेल पढ़ें, जिस पेपर के ऊपर आप साइन करते हैं लोन अप्रूवल से पहले, तो वो सारी चीज़ें उसमें ही लिखी होती हैं, और कुछ हिडन चेक भी अंदर होते हैं जिनके फोटोकॉपी के ऊपर सिग्नेचर्स जा रहे होते हैं, वो बातें आपको फिर कभी बताएंगे। लेकिन आपने वो एग्रीमेंट किया होता है और आप उनसे पैसा उठा लेते हैं। अब इट मीन्स कि आपका वो चेक है सिक्योरिटी का, वो उसके पास चला गया। अब सिविल केस क्या, सिविल केस का जब नाम सुनते हैं तो एक दफा बंदे की रूह कांपती है, क्योंकि सिविल केस सीधा जेल का नाम सुनाती है। जिस पार्टी से आप पैसा बोरो किया है ना, वो अगर आप उसके साथ, वो कहते हैं नेक नियति से ईमानदारी से चलते रहें, जो आपको इंस्टॉलमेंट प्लान दिया हुआ है, जो भी आपने पोस्ट डेटेड चेक्स किसी को दिए हुए हैं, वो आप ऑन टाइम क्लियर करते जाएं, तो कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि आपके ऊपर केस खोले। केस तभी खुलता है जब आप जंतर मंतर करते हैं, जब आप पैसा पे नहीं करते। अब जंतर मंतर इसको समझें, क्योंकि आपने, वो कहते हैं ना, मिस कमिटमेंट की अपनी तोड़ी है यहाँ पे, और आपने खुद प्रॉब्लम क्रिएट की है। अब इस सेंस के ऊपर सिविल केस कैसे वो पार्टी करती है, जो भी आपका चेक होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं एक अमाउंट ऑफ द चेक उठाता हूँ, 1 लाख का चेक है, 1 लाख धर्म का आपने चेक दिया हुआ था, मतलब 1 लाख धर्म आपने लिया था और 1 लाख का चेक इशू करके दिया था, जिसको मैं पोस्ट डेटेड चेक कहता हूँ। अब वो जो चेक है ना, वो उसके पास पड़ा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल आपने इंस्टॉलमेंट 1 मिस की, 2 मिस की, तीसरे पे आपको वार्निंग आना शुरू हो जाती है, ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं, कॉल आना शुरू हो जाती हैं, चौथे से आपसे थोड़ी थोड़ी धमकियाँ लगाना शुरू करते हैं, पाँचवें और छठे के ऊपर ना वो क्या करते हैं, वो जो चेक होता है ना 1 लाख धर्म का, वो जाके आपके बैंक में डालते हैं। फिर आपको बैंक से एक SMS आता है कि भाई फलाना फलाना चेक नंबर इज प्रेजेंटेड इन योर बैंक। पहली बात है 1 लाख धर्म तो आपके अकाउंट में होने ही लगा, छड़कले तो आपने हिला लिए होंगे सारे, तो वो क्या हो गया, रिटर्न हो गया, बाउंस हो गया। ठीक है, आपका अकाउंट भी कभी भी ऑन होल्ड चला जाता है। इट मीन्स कि उनके पास एक बाउंस चेक आ गया। बाउंस चेक जब होता है ना, तो बैंक एक पेपर साथ लगा के देता है कि भाई इस बंदे का अकाउंट खाली है तो हम आपको पैसा नहीं दे सकते। अब वो बाउंस चेक के साथ जब वो बैंक एक स्टेटमेंट सी लग जाती है, उसकी बेस के ऊपर ना बैंक जाता है भाई, वो कहते हैं ना पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, कोर्ट के ऊपर आप कह लें, वहां पे आप पे केस खोला जाता है। अब सिविल केस खोलने के लिए ना, मेरी एक बात है, मैक्सिमम ऑफ 40,000 या मिनिमम ऑफ 7.5% ऑफ द टोटल लोन अमाउंट, जो आप समझ लें भाई 10-15 हज़ार दिरहम, इतनी अमाउंट जो है ना, जो भी आपके ऊपर सिविल केस खोलता है ना, मैक्सिमम ऑफ 40,000, वो डिपेंड कर रहा होता है किस किस्म का चेक है, कौन से बैंक का चेक है, क्या क्राइटेरिया है, उसकी बेसिस के ऊपर आपको वो अमाउंट पे करना पड़ता है टू ओपन द फाइल केस, सिविल केस ऑन द पर्टिकुलर पर्सन। मेरी बात थोड़ा गौर से समझते जाए, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जब वो पैसा पे करता है ना, इट मीन्स होती है कि मैंने श्योरिटी दी है कि भाई मुझे पैसा चाहिए। इट मीन्स अगर कोई बंदा पल्ले से पैसा देता है ना, वो हमारे घर वाले जमाने में कहते थे भत्ता दे दिया तेरे, वो कहते हैं सिपारी दे दी। तो इसको थोड़ा उसी जबान में समझाता हूँ, एक तरह की सिपारी दे दी, सिपारी दे दी तो मतलब काम अब होना है।
अब क्या होगा, मेरी बड़ी पते की बातें आगे मैंने आपसे बतानी है। जब आपको आप जब उसने केस करने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट बैंक को या कोर्ट को दे दी ना, इट मीन्स कि आपके ऊपर लीगल फाइलिंग खुल गई है। अब लीगल फाइल खुलने के बाद ना, बिफोर द जजमेंट, इसमें दो चीजें हैं, अभी जजमेंट नहीं आई आपके ऊपर, बिफोर द जजमेंट आप ट्रेवल कर सकते हैं। आपके ऊपर केस खुला हुआ है, सिविल है, नो प्रॉब्लम है, बट अभी जजमेंट नहीं आई। लेकिन अगर क्या होता है, जब भी आप कोर्ट में अगर आपके ऊपर फेल केस होता है ना, आपको ऑटोमेटिकली मैसेज और ऑटोमेटिकली कॉल आ जाती है। अब कैसे आएगी, आपके जितने भी रजिस्टर्ड नंबर होते हैं मोबाइल जो एमरस आईडी के थ्रू होते हैं, भाई कोर्ट का डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट जब कॉल करना हो तो आपके घर तक पहुंच जाएगी बताने के लिए कि भाई आप पे केस हो गया और आपकी हायरिंग हेयरिंग है, आप उधर आएं और सुने। इस इधर सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, जब लोग कहते हैं छुप जाते हैं, कहते हैं भाई मैं नहीं जाता, ये हो गया वो हो गया, चोर है। कुछ लोग जाते हैं भाई कि लॉयर को हायर करें, आजकल बड़े जंतर मंतर में लॉयर भी फिर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपने वो कोर्ट ने अगर बुलाया आपको तो आपको वहां पे जाना है, क्योंकि अभी आपके ऊपर जजमेंट नहीं आई। जजमेंट जब तक नहीं आई तो ट्रैवल बैन और इमिग्रेशन बैन आप पे नहीं लगा हुआ, लेकिन आप इसको डिफेंड कर सकते हैं। इससे होगा क्या, अब यहाँ पे आपके पास एक चांस है कि आप वहां पे जाके अपना मसला रखें, सीधी बात करें ईमानदारी के साथ, भाई ये फलाना फलाना प्रॉब्लम था, ये मेरे साथ हुआ है, मेरे पास नहीं है पैसे। सच मैं कहता हूँ, सच बोल देना ना 100 झूठ बोलने से बेहतर है। मैं एडवाइस भी आपको दूंगा, आप जो भी आपका पार्टी होगी जिसने आपने केस किया होगा, वो भी उस टाइम कोर्ट में मौजूद होगा जिसने आपके ऊपर केस खोला। आप उनसे रिक्वेस्ट करें, टाइम लें, आप उनसे रिस्ट्रक्चर लोन करने की कोशिश करें, आप उनको न्यू चेक्स देने की बात करें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप किस तरह बच सकते हैं इन चीज़ों से। आप कोशिश करें उस बात को अपनी फीलिंग्स और इजहार के साथ जो है ना, थोड़ा सा वो कहते हैं कंपनसेट करने की, या क्या कहते हैं, एक नई अच्छी कमिटमेंट करने की, या एक नया रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कोर्ट के अंदर करें। और अगर ये सेटलमेंट आप उस बंदे के साथ, उस पार्टी के साथ कर लेते हैं ना, तो वो जो भी आपने वो कहते हैं ना उधर कहा होगा कि भाई मैं ऐसा करूंगा, तो आपको वो करना है, ठीक है। बट और वो जो अगर कहते हैं ना कि मैं फॉर एग्जाम्पल 6 महीने में आगे ये पैसे दे दूंगा, आप उसको रिस्ट्रक्चर कर दें, इतने की इंस्टॉलमेंट बना दें, वो ओके हो गया, आप गो अहेड, आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती, जब लोग जाते ही नहीं है, 7 डेज का टाइम होता है, वो टाइम ड्यूरेशन आपको बता देते हैं जब भी कॉल आती है लीगल डिपार्टमेंट से, आप नहीं जाते। जब नहीं जाते ना, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जजमेंट आपके खिलाफ आ जाता है, ठीक है। जिसने पैसा दिया है ना, जितना भी कि भाई इसके ऊपर केस करो, उसके हक में पैसा आता है, फैसला आ जाता है, और आपके ऊपर लग जाता है भाई मेरे इमिग्रेशन बैन, और सिविल केस आप पे खुल जाता है। सिविल केस का मतलब अब आपको कहीं भी, वो कहते हैं ना लीगल डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, तो आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। अब जेल में जब अगर आप चले गए ना, तो फिर अगर 1 लाख दिरहम का केस हुआ है ना, तो फिर आपको 1 लाख दिरहम ही पे करना है। आपके ऊपर इमिग्रेशन बैन है, आपके ऊपर ट्रैवल बैन है, ये वही सीन है जो अपने होम कंट्री में देखते थे ना, कि भाई जब तक आपके ऊपर वो केस चल रहा है, भाई आपके ऊपर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये वही वाला सीन है। अब मेरी बात जरा गौर से समझिएगा, अब ये सारा सिचुएशन जब बन गई है ना, तो अब आप जाके मिनते करने की कोशिश करें बैंकों से, तो भाई ऐसा पॉसिबल मैक्सिमम केसेस में नहीं होता। बट मैं एक और आपको टिप देता हूँ, एक और सजेशन देता हूँ, बैंक वो पार्टी है, जो भी थर्ड पार्टी जिससे आपने लोन लिया, जिसको भी चेक्स दिए हैं, देखें कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि भाई उसको पैसा मारा जाए, उसको आपको जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसको फायदा तब है कि उसकी अमाउंट रिकवर हो। अब ऐसी कंडीशन में भी अगर आप उस पार्टी को मिलें, बैठें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली रिलेटिव्स को भेजें, भाई कोई अंदर की निगोशिएशन करो कि भाई पैसा हम देंगे, इतना देंगे, वैसे तो देना आपने लीगली पूरा ही है, तो फिर जाके शायद कोई कमिटमेंट उनके साथ बन सके, और शायद आपको वो लोग आगे से कुछ कहते हैं ना कोर्ट के थ्रू रिलैक्सेशन दें और आपको जेल से बाहर निकालने का, वरना जो अमाउंट आपने क्या कहते हैं ली है, वो आपने वापस करनी है। अब टिप वही है, देखें कोई भी पार्टी आपको अंदर नहीं करना चाहती, जो कमिटमेंट आपने की है पहली बात है वो पूरा करें। अगर मसला मसाइल आ गया है आपके साथ, पैसा भाई जुआ खेल लिया आपने अच्छी तरह करके, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके हार चुके हैं, तो सीधी बात करें, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे रिस्ट्रक्चर कर दें, बात सुनेंगे। एक झूठ बोलेंगे तो 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे, 100 में से किसी एक झूठ में ऐसा फंसेंगे कि आप फिर जेल में जाएंगे, ठीक है। ट्रैवल आप नहीं कर सकते जब तक आपके ऊपर एक केस ओपन चल रहा है, ठीक है, जब तक आपको सजा हुई है, जजमेंट आपके खिलाफ आ गया। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए मैंने आपको बता दिया, ये होता है सिविल केस, जब बैंक खोलता है सिविल। अब होता क्या, नॉर्मली लोग कहते हैं ना क्रिमिनल केस है, भाई फाइन पे करो निकल आओ, ना 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 ना। अब इसमें भी स्ट्रेटेजी बैंक खेल रहा होता है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो पहले वो पैसे, वो कहते हैं ना सिविल के क्रिमिनल केस मारते हैं, और क्रिमिनल केस के बाद मैंने देखा है 50% ऐसी कंपनीज और ऐसे बैंक्स और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है
जो सिविल केस भी आपके ऊपर खोल देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि भाई कितनी बड़ी अमाउंट आपने उठाई हुई है और किस बैंक से उठाई हुई है, क्योंकि डिफरेंट बैंक कुछ होते हैं, कुछ लोकल्स के साथ बैंक लगे होते हैं, तो उनके लिए सिविल या कहते हैं ना क्रिमिनल खोलना कोई मुश्किल बात नहीं है, उनको पैसा चाहिए, तो उन्हें पता जब तक नहीं खोलेंगे तो पैसा नहीं आएगा। वीडियो लंबी हो गई है, मैंने सारी चीज़ आपको समझाने की कोशिश की थी, बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी, बट हाँ अभी एक और टॉपिक रहता है, लेकिन अगर आप कमेंट और वीडियो को लाइक करें तो फिर हमें पता लगे भाई कोई इंटरेस्टेड भी है। क्रिमिनल केस क्या होता है, क्रिमिनल केस के ऊपर अलग वीडियो करूंगा क्योंकि ये बहुत लंबी हो गई है। तो सिविल केस वाले आप लोगों को बात समझ आ गई होगी, आई होप सो। बाकी जितने आर्टिकल्स पढ़ने आप पढ़ लें, जो मैं आपको खुलासा बताना था मैंने खुलासा आपको बता दिया, आर्टिकल्स में भी सारी यही बात मिलेगी, लॉ में भी सारी यही बात मिलेगी, मैंने सबको कंसल्ट करने के बाद ये वीडियो आपके साथ शेयर की है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बाय बाय।